अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस आपको आइडिया है कि क्या होते हैं? रिलेशन हम कहते हैं टेबल को। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सामने ऊपर एक टेबल है, स्टूडेंट का टेबल, ठीक है, उसको उन्होंने रिलेशन बोला। तो अगर रिलेशन की हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये देखिए ज़रा, अ रिलेशन और टेबल इज़ द बेसिस ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको पता है कि हम जो डेटाबेस बनाने जाएंगे बनाएंगे या जो स्टडी करेंगे वो रिलेशनल डेटाबेस है। हालांकि जो पुराने डेटाबेस मॉडल्स थे उनमें हायरार्किकल था, एक नेटवर्क मॉडल था, तो लेकिन हम उनको स्टडी नहीं करते और ना इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जस्ट उनको हम थोड़ा सा हिस्ट्री बस देखते हैं। और तो हमारा ज़्यादातर जो हमारा ताल्लुक है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है। और रिलेशनल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रिलेशंस होते हैं, टेबल्स होते हैं, बहुत सारे फाइल्स होती हैं टेबल्स की। हर फॉर एग्जांपल, आपने ना डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड्स को अलग कर दिया, टीचर के ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड्स को अलग कर दिया, स्टूडेंट के ग्रुप्स रिकॉर्ड्स को अलग कर दिया, और उनके जो है ना आपने ग्रुप्स बना दिए, तो वो हर ग्रुप जो है वो क्या कहलाएगा? एक टेबल कहलाएगा। तो और टेबल को हम अल्टरनेटिवली, इसका एक नाम है रिलेशन, राइट। द प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशंस आर एज फॉलोज। इसकी जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने ज़रा नोट करनी है। ये समटाइम MCQs में पूछ ली जाती हैं। नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट। देखिए, कोई जो है ना एज सच आपके टेबल में कोई आइडेंटिकल रो नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो रोज़ बिल्कुल एक जैसी हों तो उनका आखिर क्या काम है? अली नाम की अगर दो रोज़ हैं, अली के रिकॉर्ड अगर दो दफ़ा आ रहा है तो इट मीन्स वो यूज़लेस है ना, एक ही दफ़ा आना चाहिए अली का। अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि अली नाम के एक ही बच्चा है क्लास में, ठीक है, लेकिन अगर ज़ाहिर है रोल नंबर के साथ, अगर मैं रोल नंबर का कहूँ कि एक रोल नंबर जो है वो एक ही दफ़ा आना चाहिए ना, दो दफ़ा तो नहीं आना चाहिए। अली का नाम तो चलिए रिपीट हो जाता है, मगर रोल नंबर तो रिपीट नहीं होना चाहिए। इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। तो आपके टेबल में लाजमी कोई एक कॉलम होना चाहिए, कम अज़ कम एक कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स भी हो सकते हैं जो मिलकर उस टेबल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह मैंने अभी रोल नंबर की एग्जाम्पल दी, ठीक है, तो रोल नंबर जो है ना वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर रो को, और यूनिकली आइडेंटिफाई करने से मुराद कि उसमें कोई रिपीटिशन नहीं पाई जाएगी, रोल नंबर के रिपीट होने का काम ही नहीं, कोई डुप्लीकेट नहीं आ सकता। सच कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड प्राइमरी की। आप ऐसे कॉलम को या सेट ऑफ कॉलम्स को क्या कहते हैं? प्राइमरी की। और प्राइमरी की क्या इंश्योर करती है? इट इंश्योर्स दैट एवरी रो इन अ टेबल इज आइडेंटिफाइड यूजिंग द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की, कि हर जो रो है ना आपकी रिकॉर्ड वो डिपेंड कर रहा होता है प्राइमरी की पर, और यूनिकली आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप प्राइमरी की कोई वैल्यू बताएंगे वो एक रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा और यूनिक रिकॉर्ड होगा। द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट। याद रखें, डेटाबेस में जो टेबल्स हैं आपके, टेबल्स में जो रिकॉर्ड्स होंगे उनका हर रिकॉर्ड बेशक ऊपर नीचे हो जाए कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कहने से मुराद है कि उसमें कोई सॉर्टिंग नहीं होती, कोई असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं होते ये रोज़ या रिकॉर्ड्स। जस्ट इतनी बात है कि ये यूनिक होते हैं, ठीक है। आपकी जो एक रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल, रोल नंबर का कॉलम है जो कि प्राइमरी की का है, तो वो यूनिक ज़रूर होगा, लेकिन उसमें कोई ऐसा सॉर्टिंग नॉर्मली नहीं होती। आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि सॉर्ट भी हो आपकी प्राइमरी की फील्ड। तो द पोजिशन ऑफ अ रो इन अ रिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट। तो रोज जितनी भी है ना आपकी, वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, कोई इससे मसला नहीं होता डेटाबेस में। अ रो इज़ नॉट आइडेंटिफाइड बाई इट्स लोकेशन द रिलेशन। यानी एक रो जो है उसकी कोई ऐसा कोई मखसूस लोकेशन नहीं है आपकी टेबल में, वो ऊपर नीचे कहीं पर भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द रोज़ कैन बी रिट्रीव्ड इन एनी ऑर्डर, और किसी भी ऑर्डर में ये रोज़ आपके सामने आ सकती हैं और रिट्रीव हो सकती हैं। द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज़ इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट कहते हैं गैर अहम, ठीक है, कि रोज़ का ऑर्डर भी गैर अहम है होता है और कॉलम्स का ऑर्डर भी गैर अहम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज स्टूडेंट का अगर टेबल है उसमें एज का कॉलम अगर एड्रेस के कॉलम से पहले आ जाए तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं। द पोजिशन ऑफ कॉलम इज इन आर रिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट। कॉलम इज नॉट आइडेंटिफाइड बाई इट्स लोकेशन। तो
इसी तरह कॉलम की भी कोई ऐसी लोके आइडेंटिफाइड नहीं होती लोकेशन के भी, ये लाजमी इसकी जगह है, कोई इस चीज़ से वो इनसिग्निफिकेंट है। इट इज़ रेफरेंस बाय इट्स नेम, कॉलम जो है सिर्फ उसके नाम से पहचाना जाता है, जो उसका नाम है, जो आपने उसको कॉलम का नाम रखा है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस। द कॉलम्स आर रिट्रीव बाय इन एनी ऑर्डर, तो ये कॉलम्स किसी भी ऑर्डर में हों तो वो उसी ऑर्डर में आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। आपने जिस ऑर्डर में उनको बनाया ना, उसी ऑर्डर में वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाते। कॉलम्स एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। एलिमेंटल और या एटॉमिक, ये ऐसी फीचर है कि जो बताती है आपको कि एक सेल में एक ही वैल्यू आएगी, उसमें एक सेल में दो वैल्यूज़ नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल एज ले रहे हैं आप, अली की एज ले रहे हैं, तो वो एक सेल में लिखी जाएगी, तो उस ए उसमें सिर्फ एज ही होगी ना, और उसमें नाम तो नहीं हो सकता अली का, ठीक है ना, अली का एड्रेस भी उसमें, ऐसी बात नहीं हो सकती। एक ही चीज़ इंफॉर्मेशन एक ही तरह की आएगी उसमें, और इसे इसको कहा जा रहा है प्रॉपर्टी को अटोमिक या एलिमेंटल। अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड अटोमिक वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो फर्दर डिवाइड ना हो सके उसे हम कहते हैं अटोमिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल समटाइम ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि डिवाइड हो सकती हैं। मैं आपको कहता हूँ जनाब, नेम है, नेम में आपको पता है कि फर्स्ट नेम भी आ रहा होता है और लास्ट नेम भी इकट्ठा आ रहा होता है, आप उनको अगर डिवाइड करना चाहें तो फर्दर डिवीजन की गुंजाइश होती है, ठीक है। तो नेम इज़ नॉट अटोमिक और एलिमेंट, जबकि एज जो है वो अटोमिक है, ठीक है। इसी तरह जेंडर है, मेल आएगा या फीमेल, कोई एक आएगा तो वो भी एक, वो भी अटोमिक है। इट मीन्स दैट देर कैन बी ओनली वन वैल्यू इन ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ स्पेसिफिक रो। इसका मतलब क्या है कि हर एक वैल्यू आएगी हमेशा एक उस सेल में और या किसी एट्रीब्यूट में। ये फीचर्स हैं आपकी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स थी, ये एडवांस लेवल पर ही पढ़ाई जाती हैं। व्हाट इज़ अ व्यू, व्यू क्या होता है? देखिए व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है। अ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल दैट डिस्प्लेज द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, जो एक या एक से ज्यादा टेबल से डेटा उठाता है और फिर आपको दिखाता है। सपोज स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है आपका, और या और इसके साथ साथ टीचर्स का टेबल है, तो वर्चुअल टेबल क्या होगा? मैं कहता हूँ जनाब फलां टीचर, टीचर ए कितने, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं टीचर ए से स्टडी कर रहे हैं, तो उसका अगर क्यूरी का एक रिज़ल्ट आएगा आपके सामने, जाहिर है, तो वो जो रिज़ल्ट आया तो वो असल में स्टोर तो नहीं है, वो किसी टेबल में तो नहीं पड़ा एज इट इज़, वो तो रन टाइम पर आपने क्यूरी लिखी और उसका एक रिज़ल्ट आ गया टेबल की फॉर्म में, तो इसको आप कहेंगे वर्चुअल टेबल। तो वर्चुअल टेबल कहते हैं ऐसा टेबल जो असल में कोई अलग से टेबल तो बना तो नहीं हुआ, लेकिन आपने क्यूरी लिखी थी तो वो आपके सामने एक टेबल बनकर आ गया, तो उसको आप कहते हैं वर्चुअल टेबल। जबकि स्टूडेंट का टेबल इटसेल्फ वो वर्चुअल नहीं है, वो तो ज़ाहिर है पड़ा हुआ है, टीचर का टेबल भी अलग से बना हुआ है और पड़ा हुआ है आपके हार्ड डिस्क पे स्टोर्ड है, तो वो वर्चुअल टेबल नहीं है, बल्कि जो भी आप क्यूरी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी वो क्लास में वो तमाम बच्चे जिन्होंने 40 से अबव मार्क्स लिए, मैं क्यूरी लिखूंगा उसमें सामने एक टेबल आ जाएगा आरजी तौर पर, उसको मैं कहूंगा वर्चुअल टेबल। इट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग एसक्यूएल क्यूरी, तो वो जो मैं क्यूरी की जिक्र कर रहा हूँ ना क्यूरी का, उसे हम कहते हैं एसक्यूएल क्यूरी। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये भी ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ लिया जाता है। इट इज़ अ पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज, बड़ी ये पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज है और बड़ी कामयाब है। इट इज़ यूज फॉर डेटा डेफिनेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन, और ये ना सिर्फ डेटा डिफाइन करने के लिए बल्कि डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज़ होती है। डेटा डिफाइन करने से मुराद स्ट्रक्चर बनाना डेटाबेस का, टेबल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, वो भी क्यूरी में करते हैं, और फिर आप डेटा को मैनिपुलेट भी इसी क्यूरी से करते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा इंसर्ट करना, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना, अली का रिकॉर्ड डिलीट करना, मॉडिफाई करना, तो इस तरह से डेटा को मैनिपुलेट भी किया जाता है इसी से, और स्ट्रक्चर को टेबल बनाना, टेबल्स के कॉलम्स बनाना, वो भी मैनेज किया जाता है इसी से। तो व्यू जो है बेसिकली वो क्या है, एक वर्चुअल टेबल जो असल में उसी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। पर्पस ऑफ यूजिंग व्यूज, द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग व्यू इज़ टू कीप द डाटा सेफ एंड सिक्योर। इसका बेसिक पर्पस क्या है व्यू का, कि डाटा को सेफ रखा जाए, सिक्योर रखा जाए। द यूज़र कैन स्पेसिफाई द रिकॉर्ड्स टू बी डिस्प्लेड इन अ व्यू। देखें एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ी अच्छी एग्जांपल है।
फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा एम्प्लॉय है, सपोज एम्प्लॉय क्या, या मेरा मातहत है, सपोज कोई मेरा असिस्टेंट है, मैं कहता हूँ जनाब आप स्टूडेंट के टेबल के सिर्फ दो कॉलम देख सकते हो, 10 कॉलम्स होती हैं टोटल, सपोज मेरे टेबल में 10 कॉलम्स हैं, मैं कहता हूँ सिर्फ दो कॉलम्स देख सकते, तो फिर वो राइट्स उसके लिमिटेड है ना, सिर्फ दो कॉलम्स के राइट्स हैं, या 3 कॉलम्स के राइट्स मैं दे देता हूँ, तो वो जो 3 कॉलम का एक टेबल होगा छोटा सा, ठीक है, वो उस असिस्टेंट को नज़र आएगा उसके सिस्टम पर, और उस असिस्टेंट को मैं पासवर्ड लॉगिन साइन कर दूंगा, तो वो जो है ना उसका व्यू कहलाएगा। इसी तरह मेरा एक और असिस्टेंट है सपोज, उसको मैं ज़्यादा राइट्स दे देता हूँ, 5 कॉलम्स की एक्सेस दे देता हूँ, तो उसका अलग से एक व्यू कहलाएगा, ठीक है। एक और तीसरा मेरा असिस्टेंट है, मैं उसको सारी के सारे टेबल की एक्सेस दे देता हूँ, वो मेरा क्लोज असिस्टेंट है, तो वो भी एक व्यू है, उसका भी एक व्यू कहलाएगा, यानी उसको जो नज़र आ रहा है ना उसकी स्क्रीन पर टेबल जो एक्सेस हो रहा है वो जो है वो क्या कहलाएगा, एक व्यू कहलाएगा। तो व्यू बेसिकली बनाया जाता है सिक्योर रखने के लिए, डेटा को, डेटाबेस को सिक्योर रखने के, ताकि कोई भी बंदा जो है ना जिसको थोड़े से राइट्स हैं थोड़ी सी, ठीक है, वो कंप्लीट डेटाबेस को एक्सेस ना करे, बल्कि अपने लिमिटेड राइट्स में रहते हुए डेटाबेस को एक्सेस करे। तो इसलिए ये पहली लाइन बता रही है आपको कि इसका मकसद क्या है, कि डेटा को सिक्योर रखा जाए और सेफ रखा जाए। द यूज़र कैन स्पेसिफाई द रिकॉर्ड्स टू बी डिस्प्लेड इन अ व्यू, तो यूज़र स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स जो हैं उसके व्यू में। फॉर एग्जांपल, मैं इस तरह से कन्फिगर, जिस तरह मैंने भी बताया, जिस तरह आप कॉलम्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इस तरह रोज़ को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये ऐसे कह सकता हूँ, वो जो मेरा पहला असिस्टेंट है ना जिसको 2 कॉलम्स की एक्सेस है, मैं उसको कह सकता हूँ जनाब इस तरह का व्यू, उसका व्यू डिज़ाइन कर सकता हूँ कि भाई आपको सिर्फ 4th ईयर के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड नज़र आएगा, 3rd ईयर के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपको नज़र नहीं आएगा। तो इट मीन्स मैं रिकॉर्ड्स को भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स किसके व्यू में डिस्प्ले होंगे। द व्यू डिस्प्लेज द डाटा अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट, तो ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिस्प्ले होता है। इट कीप्स द एक्चुअल डाटा इन द टेबल सेफ, तो इससे क्या होता है, जो आपका असल डाटा है ना बैक एंड पर कंप्लीट टेबल, वो सेफ रहता है, और वो समटाइम्स अगर मैं सबको ओरिजिनल डाटा की एक्सेस दे दूँ ना, तो वो तो एक्सीडेंटली डिलीट भी हो सकता है, तो मसला हो सकता है। तो व्यू की वजह से आपका असल डाटा, मेन डाटा जो है ओरिजिनल, वो सेफ रहता है। इट प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिस्प्लेइंग द डाटा फ्रॉम द टेबल्स, इसकी वजह से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए टेबल्स को, वो ज़रा बढ़ जाती है। व्यू के बारे में ज़रा एक और थोड़ा सा है, ये भी ज़रा यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अ व्यू कैन बी क्रिएटेड फॉर वन और मोर टेबल्स, देखिए ऐसा भी हो सकता है व्यू के बारे में कि मैं एक असिस्टेंट के लिए व्यू बना दूं कि उसको एक टेबल में से 2 कॉलम नज़र आएँ, फिर दूसरे टेबल में से भी 3 कॉलम नज़र आएँ, तो टोटल उसके व्यू में 5 कॉलम नज़र आएंगे, और वो डिफरेंट टेबल्स से वो डाटा उठा रहे होंगे, यानी उसका व्यू 2 टेबल से डाटा उठा रहा है, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो व्यू असल में, इट मीन्स असल में बैक एंड पे डाटा उस तरह से, डाटा में टेबल, टेबल में डाटा उस तरह से तो नहीं है, जाहिर है जो नज़र आ रहा है उसको, इसलिए इसको कहा जाता है वर्चुअल टेबल। बैक एंड पे टेबल 1 है, टेबल 2 है, ठीक है, जबकि इसको, इस व्यू में टेबल 1 से भी 2 कॉलम और टेबल 2 से 3 कॉलम उठा दिखाए जा रहे हैं, तो इसलिए ये इसको कहा जा रहा है व्यू और वर्चुअल टेबल। जस्ट इतना आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको, अगर व्यू का आइडिया हो गया दैट इज़ इनफ आई थिंक। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, कल हम इसको ज़रा एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, तफसील से देखेंगे। आज के लिए फ़िलहाल हमने देखा टेबल की प्रॉपर्टीज़ और जो व्यूज़ हैं वो क्या होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।